बिहार में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। जल्द पीएचडी की मौखिक परीक्षा होने की संभावना है। यहाँ पर आप लोग को पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री की भी एग्ज़ाम को इसके तहत रोक लगा दिया गया है, जो भी एग्ज़ाम अभी होना था। बिहार में यहाँ पर जो है कोरोना महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालय में परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के द्वारा इस बारे में नोटिफिकेशन जारी भी किया गया है और सरकार के गृह विभाग की ओर से भेजे गए नोटिफिकेशन में कोरोना संक्रमण को लेकर के परीक्षाएं स्थगित करने की बात भी कही गई है। हालांकि यहां पर इससे पहले 5 जुलाई 2021 के आदेश के अनुसार जो है सरकार ने कहा था कि विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेज में जो है एग्ज़ाम हो सकेगा, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में सरकार ने अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दिया है और इसके साथ ही पीएचडी करने वाले इच्छुक छात्र छात्राओं को जो है खुशखबरी भी है। राज्य के 13 विश्वविद्यालय में पीएचडी की मौखिक परीक्षा जल्द ही आरंभ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखित परीक्षा जिसको भी होना था उस पर फिलहाल उसका जो है स्थगित कर दिया गया। और इसके अलावा भी यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के स्कूल और कॉलेज में 50% उपस्थिति के साथ जो है क्लास चलेगी। सरकार ने इस बारे में भी आदेश में इस बात को दोहराई है फिर से और सरकार ने कहा है कि क्लास में पढ़ाई तमाम कोविड नियमों को ध्यान में रख करके ही किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एग्ज़ाम को जो है रोक दिया गया है। तो आप लोग का भी जो एग्ज़ाम होना था वो भी फिलहाल रुक गया है। फिर अगला नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम आप लोग का कब से है या फिर आप लोग का एग्ज़ाम कब तक रुका रहता है।